एवरीवन, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसके अंदर हम क्लास बनाना सीखेंगे, सर्कल क्लास. ओके, नाउ ये जो क्लास है वो कैसे बनाई गई है ये देखिए, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. ये एक क्लास बनाई गई है जिसका नेम है सर्कल. ओके, तो ये मैंने क्लास सर्कल बना दी है यहाँ पे. अब इस क्लास के अंदर दो मेंबर्स देना है, एक है रेडियस और एक है पाई. ओके, पाई का वैल्यू अपन को मालूम है कांस्टेंट रहता है, इसीलिए उसका वैल्यू अपन ने कांस्टेंट बना दिया. कांस्टेंट वैल्यू अगर हमको जावा में देना होता है तो आपको मालूम है अपन कैसे देते हैं, आगे कीवर्ड लगा देते हैं फाइनल. ओके, और ये डबल उसका डेटा टाइप और पाई नाम का वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू अपन ने दे दी 3.14. इसी तरीके से हमको एक और वेरिएबल की जरूरत थी यहाँ पे, रेडियस के लिए अपन ने लिया है आर. ओके, ये दो मेंबर्स ले लिया अपन ने, ये हो गया हमारा रेडियस जिसकी वैल्यू अपन ने इनिशियल वैल्यू दे दी 7 और इसका टाइप दे दिया इंट. ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया है. ओके, फंक्शन का जो नेम है वो क्या है, सर्कमफेरेंस. क्लास के अंदर हमने दो डेटा मेंबर दे दिए, अपन को मालूम है डेटा मेंबर क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं अपन को मालूम है. ओके, तो ये अपन ने एक सर्कमफेरेंस नाम का फंक्शन बना दिया. अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है सर्कल के पेरीमीटर की, जिसको अपन सर्कमफेरेंस बोलते हैं, दैट इज 2πr. ओके, तो अपन ने लिख दिया 2πr और ये जो वैल्यू है अपन ने एक वेरिएबल के अंदर ले ली, दैट इज c, और इस c वेरिएबल को अपन ने इसका जो डेटा टाइप है वो क्या दे दिया, डबल ये. ओके, नाउ इस c को अपन ने प्रिंट करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया. डिस्प्ले करवाने के लिए अपन क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और उस वेरिएबल की वैल्यू, राइट. इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक और फंक्शन बनाया है, दैट इज एरिया. ओके, ये क्या कैलकुलेट करेगा, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा. इसके लिए भी अपन को पाई और आर की जरूरत है, ये दो चीजें लेनी होती है हमको. तो अपन ने क्या दे दिया, एरिया के लिए ए विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो अपन ने लिख दिया पाई इंटू आर इंटू आर. ओके, और ये जो ए है उसको अपन ने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, मतलब ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए से. ओके, नाउ अगर आपको किसी भी क्लास को रन करना है तो हर क्लास के अंदर एक मेन मेथड होता है. ओके, क्लास के अंदर बाकी के मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अपन ने ये देखा ये एरिया एक मेथड था, ऐसे ही सर्कमफेरेंस दूसरा मेथड है ये. ओके, मतलब फंक्शन है. इसी तरह से हर क्लास में एक मेन मेथड होता है. ओके, तो ये अपन ने मेन मेथड बना दिया. ओके, मेन मेथड कैसे बनाया जाता है, क्या लिखते हैं उसके लिए, अपन ये लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स. ओके, ये हमारा मेन मेथड यहां से स्टार्ट होता है. जो आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, अपन को मालूम है कि क्लास के ये जो फंक्शंस हैं या जो वेरिएबल्स हैं, मतलब ये जो फंक्शंस हैं ये, इनको अपन डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. ये एरिया, इसको डायरेक्टली कॉल नहीं किया जा सकता, इसको ऑब्जेक्ट बना के उसकी मदद से कॉल किया जाता है. ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाना ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले वीडियोज में समझा दिया है, आपको मालूम है कि किसी भी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. तो सपोज सर्कल क्लास के लिए अपन को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है C1, तो कैसे क्रिएट करेंगे, सर्कल मतलब क्लास का नेम, देन C1 मतलब ऑब्जेक्ट का नेम, इक्वल टू न्यू एंड क्लास का कंस्ट्रक्टर. तो अपन ने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है C1, सर्कल C1 इक्वल टू न्यू सर्कल. ओके, इसी तरह से एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, सर्कल C2 न्यू सर्कल. मतलब हमने यहां पे ये दो लाइंस देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि अपन ने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं C1 और C2 मेन फंक्शन के अंदर. ओके, अब इन C1 और C2 की मदद से हम ये दो फंक्शंस को कॉल करेंगे, एरिया और सर्कमफेरेंस को. ओके, तो कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम देन डॉट एंड देन फंक्शन का नेम. तो मैंने लिख दिया C1.circumference. ओके, जैसे ही आप इसको कॉल करोगे तो आपको सर्कमफेरेंस की यानी कि पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी. मतलब यहां से किसको कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा. ओके, सेम वे C1.area. ओके, तो एरिया कैलकुलेट करके देगा आपको, यानी एरिया वाले फंक्शन को कॉल किया जा रहा है यहाँ पे C1 ऑब्जेक्ट की मदद से. इसी तरह से C2 मदद की ऑब्जेक्ट की मदद से अपन ने बाकी के दोनों फंक्शंस
सर्कमफ्रेंस और एरिया को कॉल कर दिया है। ओके चलिए, अब ये तो रहा क्लास कैसे बनती है, इस तरह से क्लास अपन क्रिएट कर सकते हैं। ओके इसको अपन नेटबीन्स में बना के देखते हैं। ऑल राइट, ये मेरा नेटबीन्स है, नेटबीन्स आईडीई 8.2। नाउ ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके तो जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर अपन को क्लास बनाना है, आपको मालूम है प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ये ऑलरेडी मैं इसके पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुकी हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आगे वाले वीडियोस देख सकते हैं। ओके नाउ सपोज हियर इज द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आपको ये क्लास बना के देखना है। ओके तो मुझे ये क्लास बनाना है क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th पी के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, यहां से सोर्स पैकेजेस को क्लिक करेंगे, देन डिफॉल्ट पैकेजेस, डिफॉल्ट पैकेजेस में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां से जावा क्लास का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं जावा क्लास दिख रहा है, तो यहां से जावा क्लास को अपन सिलेक्ट करेंगे। जब अपन जावा क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे हमसे पूछा जाएगा नेम ऑफ द क्लास। ओके तो आपको जो भी क्लास का नेम देना है वो देंगे अपन। सपोज मुझे सर्कल क्लास बनानी है तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगी, सर्कल। ओके मेरी ऑलरेडी ये क्लास एग्जिस्टिंग है, मेरे पास बनी हुई है, इसीलिए मेरे पास एरर आ रहा है। नीचे देखिए लिखा रहा है द फाइल सर्कल डॉट जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके तो मेरे पास ये बना हुआ है, तो अगर मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ, सर्कल टू कर देती हूँ, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और फिनिश पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहां बन जाएगी आपकी क्लास। ओके ये जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये रहा हमारा क्लास। यहां पर आपको जो भी कोड लिखना है आप लिख सकते हैं। ऑलराइट तो चलिए अपन ने जो कोड बनाया है यहां पे उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूं। क्लास सर्कल नहीं है मेरी, अब क्लास टू है मेरा। ओके तो चलिए मैं यहां से लेके यहां तक का कोड कॉपी कर देती हूं, आप लोग टाइप करेंगे इसको कंट्रोल वी। राइट ये आप देख सकते हैं, ओनली ये डिफरेंस है कि मेरा क्लास ऑलरेडी सर्कल नाम का क्लास बना हुआ था, तो मैंने नेम चेंज करके यहां पे सर्कल टू कर दिया क्लास का नेम। ओके एंड ये हमारा क्लास यहां पे बन चुका है। ऑलराइट चलिए इसको रन कैसे करते हैं, रन पे क्लिक करेंगे, रन फाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये क्लास आपकी रन हो चुकी है, यहां पे आउटपुट आ चुका है। ओके ये आ गया 43.96, मतलब क्या निकला ये 43.96, मतलब जो हमारा सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस निकला है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन के लिए अपन ने सर्कमफ्रेंस निकाला है। ओके देन ऑब्जेक्ट टू के लिए भी सर्कमफ्रेंस निकाला था अपन ने, तो नीचे देखिए ऑब्जेक्ट टू के लिए भी सेम सर्कमफ्रेंस आया है, क्योंकि अपन ने वैल्यूज चेंज नहीं किए थे, वही वैल्यूज थे। फिर ये देखिए C1 के लिए एरिया निकला है, C1 ऑब्जेक्ट की मदद से अपन ने एरिया कैलकुलेट किया है, तो एरिया की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 153.86। ओके सेम वे दिस इज फॉर C1, दिस इज फॉर C1 ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस, देन दिस इज फॉर C1 ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसका एरिया, देन C2 के लिए सर्कमफेरेंस और ये C2 के लिए एरिया। ओके सो आई होप आपको क्लास कैसे बनती है ये समझ में आया।